Because sports is a very vast subject. As earlier I told you, sports medicine, sports pedagogy, biomechanics, kinesiology, ये सारे आपके related to sports है. Sports psychologist, then physiotherapist, ठीक है, जितने भी ये related आपके छोटे छोटे से आपके subjects हैं जिनका परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस पे, ठीक है. इसीलिए हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी शुड बी एनफ मेंटली स्ट्रॉन्ग व्हाइल वी आर प्लेइंग एनी गेम. अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, यू कांट गिव योर 100%. सेम इन द केस ऑफ साइकोलॉजी, आपको दूसरे प्लेयर की मैप रीडिंग भी आनी चाहिए, उसका बिहेवियर का भी पता होना चाहिए. एज ए कैप्टन यू शुड नो द ईच एंड एवरी प्लेयर. अगर आप अपनी टीम के कैप्टन हो, आप कोई भी गेम, कोई भी टीम गेम्स खेल रहे हो, तो यू शुड नो द बिहेवियर ऑफ योर टीममेट्स. ये एग्रेसिव है, ये कूल होकर खेलता है, इसमें टेम्परामेंट अच्छा है कि नहीं है. सम ऑफ द प्लेयर्स क्या है, वो एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है. बोलते हैं ना कि ये बहुत अटैकिंग प्लेयर है, ये बड़ा डिफेंसिव है, ये बड़ा कूल, जैसे आपने सुना होगा द्रविड़ का, कूल हेडेड. अब आप विराट कोहली का देख लो, एग्रेसिव, ऑलवेज वो फील्ड में आपको एग्रेसिव मिलेगा. दैट इज अ नेचर, दैट इज अ साइकोलॉजी, दैट इज अ ह्यूमन बिहेवियर. साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसको माइंड को रीड करते हैं हम, ठीक है. तो जो प्लेयर्स आपके होते हैं, जब आप टीम गेम खेलते हैं, जो कोचिज होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको सबका पता होता है कि मेरा कौन सा प्लेयर, उसको मैंने कैसे टैकल करना है, वो किस, उसका बिहेवियर कैसा है बिफोर मैच, ड्यूरिंग मैच, आफ्टर मैच, ठीक है. जैसे हम कंपटीशन होते हैं ना, बिफोर कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन, आफ्टर कंपटीशन, ठीक है. सम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, उनका क्या होगा, मैच खेलने से पहले वो क्या होगा, डर जाते हैं, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं इतना होगा. अब कोई बिगनर्स है, कोई बड़ा मैच खेलने जा रहा है बच्चा, ठीक है, तो नेचुरली लिटिल बिट, अगर आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हो, बड़े प्लेयर हो, जब आप पब्लिक में, क्राउड में मैच खेलते हैं, तो लिटिल बिट आपको भी क्या होता है, प्रेशर होता है थोड़ा सा, वो डरता है प्लेयर्स, वो भी देखता है इतने लोग हैं, मेरी परफॉर्मेंस कैसे आएगी, मैं कैसे खेलूंगा, ठीक है. तो वही चीज आप में, कई लोगों में क्या होती है, वो मैच से पहले ही बोल देंगे, ले जी हम मैच जीत गए, ये दूसरी टीम कुछ भी नहीं है. दे आर हाईली मोटिवेटेड, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं. अगर आपकी गेम भी इतनी अच्छी नहीं है, बट आपका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, दे आर हाईली मोटिवेटेड, उनको अपना पता है कि हमने जीतना है, ठीक है. तो वो ड्यूरिंग मैच भी सबको हौसला करते रहते हैं. व्हाट दे आर डूइंग व्हेन एवर देयर इज एनी मैच, टूर्नामेंट, सम ऑफ द पीपल यू हैव सीन इन टीवी, दे आर बूस्टिंग देयर प्लेयर्स, वो बोलते रहते हैं कम ऑन, ठीक है, वी कैन डू इट. वो कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करते रहते हैं. विकेट कीपर को आपने देखा होगा क्रिकेट में, वो बोलता रहता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बॉल है, वेरी नाइस, ठीक है. तो दैट इज द मोटिवेशनल लेवल. आपको प्लेयर ही एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, आपका जो माइंड सेट है उसको बनाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस लेके आते हैं. अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, आपको कोई रन पड़ गए, अगेन दे आर शाबाश शाबाश, नो प्रॉब्लम, विकेट मिलेगी, नेक्स्ट बॉल, सेम हर गेम में ये, दिस इज द पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ योर गेम. तो हमको इसीलिए हर सब्जेक्ट की लिटिल बिट नॉलेज होती है. जो स्पोर्ट्स का रिलेटेड आदमी होगा, उसको अपने प्लेयर्स की ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए. आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप में स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, आपका लेवल ऑफ फिटनेस क्या है. अगर हम सबको एक जैसी ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है, छोटे को बड़े के साथ रख दिया, ठीक है, जिसकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, उसको हमने बहुत हैवी लोड दे दिया, दैट विल बी पार्ट ऑफ नेगेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर एथलीट. तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि किस प्लेयर को कहाँ पे कैसे और कौन सी ट्रेनिंग देनी. वो ये सारी चीजें, ये सारे सब्जेक्ट आपको नॉलेज अगर आपको होगी, तभी ये कहना कि आपने कोचिंग, आपको खेलना आता है, यू जस्ट गो एंड ट्रेन द पीपल्स, नॉट. Now it is a scientifically highly techniques use होती हैं आपको. जितनी भी आपने टेक्निक यूज करनी है, you have seen so many records are breaking this Olympic Games, ठीक है.
तो इसीलिए होता है कि उनके पीछे प्लेयर्स के पीछे कितने लोग लगे होते हैं, वो सारे इनको टेक्निकली स्किल्स के फंडामेंटल, इंजरी से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, प्लस आपकी डाइट से रिलेटेड। आपकी अगर डाइट ही अच्छी नहीं है, आपका आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, वो सारा आपका आपका डे का शेड्यूल क्या है, आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होगी है पर्टिकुलर डे में, आपका इवेंट कैसा है, वो सारा कैलकुलेट करके आफ्टर दैट दे कम टू नो कि विच डाइट वी हैव टू प्रेफर। तो ये सारा आपको इसके एडवांटेजेस हैं बायोमैकेनिक्स के, हमको नॉलेज मिलती है, ठीक है, टेक्निक एडवांस होती है, स्किल आपकी इंप्रूव होती है, देन इंजरी से आप सेव करते हो, एंड इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च आपके लिए, रिसर्च के लिए बहुत यूजफुल है, आप उसको स्टडी कर सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होता है, कोचिज के लिए बहुत हेल्पफुल है ये सब्जेक्ट बायोमैकेनिक्स, अगर उसको इसकी नॉलेज होगी तभी वो अच्छा रिजल्ट दे पाता है। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक भी। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सम मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, देयर इज सम बॉडी मूवमेंट्स जो आपको बेसिक्स हैं वो पता होनी चाहिए, जैसे फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है, एडक्शन, एबडक्शन, ये बेटा एक बार आप लिख लो। इसमें कुछ एक ऐसे मूवमेंट्स हैं जो किसी बुक में है, किसी में नहीं है, यू जस्ट प्लीज राइट डाउन सम ऑफ द मूवमेंट्स जो आपको 1 मार्क्स में आ सकती है, बोर्ड से भी आ सकती है। हाँ जी, ये सब है यस सर। ये बेटा लिख लो आप भी, ये 10 एक मूवमेंट्स हाँ हैं जी बॉडी सर। की। नंबर 1 लिखो फ्लेक्शन, FLEXION, फ्लेक्शन। देन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सिंपल है। फ्लेक्स जब आपने एंगल ऑफ योर टू बोन्स रिड्यूसेस, जब आप इसको वापस लेके आते हो सेम पोजीशन में, देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ये क्लोज करना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऐसी आपके नीज ज्वाइंट में आप कर सकते हो, ठीक है, लेग्स को फोल्ड करोगे देन एक्सटेंड करोगे। देन इसी में एक आता है हाइपर एक्सटेंशन, जैसे जो जिमनास्ट होते हैं आपके, स्विमर्स होते हैं, उनकी बाजू और पीछे तक मूव करेगी, उनके रेंज ऑफ ज्वाइंट्स वो ज्यादा होती है। देन देर इज सरकमडक्शन, जब आपने अपने किसी मूवमेंट को ऐसे ऐसे राउंड में घुमाते हो जिस पार्ट को, दिस इज सरकमडक्शन। हाँ, सरकमडक्शन, DU, सरकमडक्शन, सरकम DU, डक्शन। देन रोटेशन, प्रोनेशन, सुपीनेशन, SUPINATION, देन इनवर्जन, इनवर्जन, देन इवर्जन, ई वर्जन, देन डोर्सी फ्लेक्शन, डोर्सी, DORSI, डोर्सी फ्लेक्शन, देन प्लांटर, पी
LANTAR, प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, देन सुपाइन, SUPINE, एंड PRONE, प्रोन पोजिशन। अब आपको ये प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। कई बुक्स में सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन लिखा है। तो समटाइम अगर आपको ये भी अगर पूछ ले मूवमेंट डिफरेंट, वो क्या होती है, ये फ्लेक्शन ये क्लियर है, एक्सटेंशन सर्कमडक्शन हो गया, ठीक है, रोटेशन हो गया, रोटेट करना, देन आपका प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन का मतलब क्या है बेटा, जब आप आपका जब फेस है डाउनवर्ड, वाइल यू आर इन लाइंग पोजिशन, तो आपका फेस डाउनवर्ड होगा, अर्थ की तरफ होगा। इसमें आप लिख लो, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। आप अपने पेट के बल, ठीक है, ग्राउंड में जब लेटते हो, दैट इज प्रोनेशन। फेस आपका डाउनवर्ड होगा टुवार्ड अर्थ, ठीक है, ये डाउनवर्ड हो गया, ये अपवर्ड हो गया, सुपाइन सुपिनेशन। इसी को हम सुपाइन प्रोन पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, कभी प्रोन एंड सुपाइन पोजिशन। देन डोर्सी फ्लेक्शन, दैट इज अ पोजिशन ऑफ योर फुट। डोर्सी मीन्स डाउनवर्ड, प्लांटर मीन्स अपवर्ड, ठीक है, ये डोर्सी फ्लेक्शन हो गया, प्लांटर हो गया। हाँ, ये फुट की जो एंकल पे मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ये सब बॉडी जो आपकी मूवमेंट्स हैं, ये यूज होती है आपकी सारी, इसी पे डिपेंड करता है आपका फोर्स, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, ठीक है। ये सारी मूवमेंट आपकी लाइफ में डेली, वाइल यू आर वॉकिंग, जब आप चल भी रहे हो, आप सोए हो, बैठे हो, ये कहीं पे भी हो सकती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, नेक की होगी, शोल्डर होगी, हिप से ये हो गया, आगे हो गया, फिर पीछे हो गए हो, ठीक है, ये साइड वर्ड हो गई है, एड जब आप क्लोज कर रहे हो, एडक्शन ऐड करना, ये आपका एबडक्शन हो गया। ऐसे इसको आर्म्स को कर सकते हो साइडवेज। प्लस वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको डिफरेंट फोटोग्राफ्स आएगी वहां पे क्वेश्चंस में, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, वहां पे डिफरेंट पोज आपको दिए होंगे, ठीक है। तो जब भी ये आपने चैप्टर पढ़ना है, वहां पे आपको डिफरेंट पोज दिए हैं, डिफरेंट फोटोज दी होगी हैं, उसमें आपको लिखा होगा, दिखाया होगा फोटो में, विच इज दिस, ठीक है, ये कौन सी पोजिशन है आपकी, सुपिनेशन, जैसे हैंड से हो गया, ये हैंड की पोजीशन भी आपको होगी, एक हैंड ऊपर है, एक हैंड नीचे है ऐसे, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस हैंड्स, कौन सा सुपिनेशन है, कौन सा प्रोनेशन है। ऐसे ही आपको टो की मूवमेंट होगी, ऐसे डाउनवर्ड, डोर्सी है वो अपवर्ड होगी है, तो कौन सा हो गया, ठीक है, ये डिफरेंट मूवमेंट्स आएंगी आपको। तो आपने ये नहीं बोलना कि हमको ये बुक में नहीं है या हमको कहीं कराई नहीं है, ये सारी मूवमेंट आपकी बॉडी से रिलेटेड है। इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, जो इनसाइड बॉडी के इनसाइड होता है, व्हाइल वी आर वॉकिंग, तो सम टाइम वी गिव अ ट्रेनिंग, यू हैव टू कीप योर लेग्स, आपने जो अपने फुट को इनसाइड करके वॉक करना है, ऐसे इनसाइड ऐसे, ठीक है, जब आउटर करते हैं तो ऐसे। ये वॉक आपने स्कूल में भी की होगी बाहर, ये हम मोस्टली सबको बच्चों को सुबह जैसे करवाते थे जो खेलने आते हैं बच्चे, दिस इज अ वन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आप फ्लैट फुटेड हो, आपको कोई प्रॉब्लम है लेग्स में, ठीक है, तो उसके लिए इनवर्जन इनसाइड, ठीक है, इनवर्जन व्हाइल वी आर वॉकिंग, तो हम अपने एंकल को
इनसाइड अंदर की ओर फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम वॉक करते हैं। ई वर्जन में आउटसाइड, दिस इज क्लियर ऑल रिगार्डिंग दिस मूवमेंट्स। आप अपना इसमें लिख लो जो आपको याद रहेगा। प्रोनेशन होगी है फेस आपका डाउनवर्ड, सुपिनेशन अपवर्ड, इनवर्जन इनसाइड, बॉडी की तरफ आपने अपनी एंकल को करना है और फिर आपने वॉक करना है। आउटवर्ड करोगे तो ई वर्जन हो गया आपका, डोरसी डाउनवर्ड आपने टो को करना है अपना, एंकल को नीचे आपकी टो डाउनवर्ड हो गई ऐसे, ठीक है, फिर अपवर्ड होगी ये डोरसी एंड प्लांटर मूवमेंट। इसी में बेटा आपको सम ऑफ द बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है प्लेन एंड एक्सिस, ठीक है, उस पे हमारी बॉडी मूव करती है, एक्सिस पे रोटेट करती है। इट इज इमेजिनरी लाइंस जिसको हम बोलते हैं, सरफेस होता है थ्रू अपने बॉडी से, उसमें सेजिटल होता है, ठीक है, वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल पार्ट होता है। ये जितने भी मूवमेंट बॉडी की हमारी इससे रिलेटेड ही होती है सारी, इसको फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, सेजिटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। प्लेन आर द इमेजिनरी सरफेस थ्रू मूवमेंट टेक्स प्लेस, जहां भी हमारी मूवमेंट्स जो होती है उसको हम एक इमेजिनरी सरफेस लाइन मान के उसको उस पर एक्ट करते हैं। ऐसे ही आपका एक्सिस पे होता है, ठीक है। फर्दर इसमें आपको सेकंड जो टॉपिक आगे नेक्स्ट आएगा वो दैट इज रिगार्डिंग योर न्यूटन्स लॉ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 10th स्टैंडर्ड बट स्टिल वी रिवाइज दैट। एंड मेन आपका इसमें क्या है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट लॉज इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। आपने जब भी ये क्वेश्चन आएगा विद एग्जांपल आपको ये आंसर देना होगा, व्हाट इज द डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स एंड व्हाट आर द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉज इन स्पोर्ट्स एंड गेम एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो आपका एज यू नो देयर आर हाउ मेनी लॉज ऑफ न्यूटन, 3, विच वन, थर्ड वाला सबको याद होता है, वो एक्शन रिएक्शन सबको याद रहता है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, थर्ड इज एक्शन रिएक्शन, वो सबको याद होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में आपका क्या है, सिंपल है, अगर कोई चीज मूव कर रही है या कोई रेस्टिंग पोजीशन पे है वो सेम पोजीशन पे रहेगी अनटिल और अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका आपका हर गेम से आपसे रिलेटेड है। आपने कोई भी शॉट मारा है, बॉल को हिट कर रहे हो, बॉल पड़ी है फुटबॉल, वो पड़ी रहेगी जब तक तो कोई किक नहीं मारेगा, ठीक है। नेचुरली अगर आपने बॉल को किक मारी है वो ट्रेवल करती जाएगी जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर यूज नहीं होगी। तो ये सारे लॉज आपके रिलेटेड टू योर गेम से हैं। अब आपका नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जरूर लिखना आपने, जब भी यू हैव आपको बोला गया कि आपने कोई भी लॉ मेंशन करने है तो यू हैव टू रिटन प्रॉपर एग्जाम्पल कि बॉल अगर रेस्ट कर रही है, अगर हम उसको किक मार रहे हैं वो एयर में रहेगी, ठीक है। एयर में भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एयर का प्रेशर होता है, वो आपकी स्पीड को आपके मोशंस को रोक देता है। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मोमेंट और एनी ऑब्जेक्ट, इट इज डिपेंड अपॉन द फोर्स अप्लाइड। आपने कितनी फोर्स कितनी अप्लाई उसमें की है उसी पे डिपेंड करता है आपके डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी एंड फोर्स अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट. इट इज अ रेट ऑफ, यू कैन राइट डाउन वन रोड, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force applied and inversely proportional to its mass. Simple hai, the greater the force applied, the faster is the velocity or more is displacement. जितनी आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, मास. अब हम इसमें किसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि जितने भी आपके थ्रोअर होते हैं, शॉर्ट पुट वाले हैं, उनका जो बॉडी होगा, उनका जो बॉडी कैसी होती है, दे आर स्ट्रांगली बिल्ड अप. वो थोड़ा आपके हैवी वेट वाले होते हैं. आपने कभी किसी को देखा है भी कोई लीन एंड थिन, कोई छोटी हाइट का पतला सा कोई थ्रोअर होगा? नेवर. मोर द बॉडी वेट, मोर द मास, मोर द डिस्टेंस यू विल कवर. ठीक है, ये सारा साइंस से रिलेटेड है, ये फोर्स से रिलेटेड है. नेचुरली उसमें ज्यादा जिसके बिग मसल्स हो गए, हैवी होगा, वो ज्यादा जनरेट करेगा स्ट्रेंथ. तो इसीलिए ये जितनी आपने सपोज आपने वॉलीबॉल में दो टेक्निक है, एक आपने बॉल को ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप मार दिया, तो क्या होगा, उसमें फोर्स नहीं होगी, नीचे आराम से चल जाएगी. अगर आपने उस पूरा उसको हिट करते हो, जब स्मैश करते हो, तो इट विल ट्रेवल वेरी फास्ट और बहुत दूर तक जाएगी. तो दिस इज द मेन कि आपका कितना आप में स्ट्रेंथ है, कितना आप यूज करते हो, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर मास. इसके बाद आपका लॉ ऑफ थर्ड कौन सा है, ये सबको ही पता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हम बॉल को मारते हैं वॉल पे, उतनी तेजी से वापस आएगी जितनी तेज मारोगे. मारोगे ना, हल्का मारोगे हल्की आएगी, तेज मारोगे तेज आएगी, दैट इज रिएक्शन. आप एथलेटिक्स में स्टार्ट लेते हो, जब हम स्टार्टिंग ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं ना, स्टार्टिंग ब्लॉक रखे होते हैं, आप पैर रखते हैं, आप जितना उसको पीछे पुश करोगे, आगे आपको सेम इन स्विमिंग, पानी को आप जितनी तेजी से फोर्स से पीछे फेंकोगे, उतना फास्ट आप आगे जाओगे. ठीक है, जितने भी अच्छे स्विमर्स हैं उनकी स्पीड तभी होती है, वो बहुत शार्प कट, एक तो पानी को काटना और पीछे उसको करना बैकवर्ड, उतनी तेजी से आपकी स्पीड बनेगी, उतना आप डिस्टेंस जल्दी से कवर कर पाओगे. ठीक है, तो ये न्यूटन्स के सारे जितने लॉज हैं, इसको विद एग्जांपल आपने बुक में लिखना है. और आपको ये पता है 35 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के ही आएंगे, उसमें एसर्शन भी होगा, अपने वैल्यू बेस्ड भी होगा, वन मार्क्स के भी होंगे. एंड डिफरेंट उन्होंने आपको चैप्टर्स भी सीबीएसई ने बोल दिया कि ये फर्स्ट यूनिट में आपके आएंगे, फर्स्ट उसमें हाफ ईयरली में, बाकी उसमें डिफरेंट आएंगे. ठीक है, तो ये इसके साथ आपने इसको माइंड में रखना है.